नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत। एक तरफ समाजवादी पार्टी की एकजुटता के लिए अब हाई लेवल पर शुरू हुई कवायद में पार्टी के कई दिग्गज कूद पड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों का रुख अपने अपने स्टैंड पर अडिग लग रहा है। आज जिलाध्यक्षों के साथ बैठक में शिवपाल थोड़े नरम पड़ते दिखे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद भी छोड़ने की बात भले कह दी, लेकिन वहां जिलाध्यक्षों की प्रतिक्रिया पर उनके मान जाने के बाद ये लगा कि वो भी इमोशनल कार्ड ही चल रहे हैं। वहीं अखिलेश अपनी 3 तारीख की प्रस्तावित यात्रा पर अडिग हैं, जिसे रोकने की कवायद भी पार्टी के भीतर तेज है। और इतना ही नहीं, उन्होंने जिलाध्यक्षों से यह भी ऐलान कर दिया है कि नया करने के लिए तैयार रहो। ये नया क्या है, इस लिहाज से आने वाले 2-3 दिन बेहद निर्णायक हैं। हम हर बदलते पहलू से लगातार आपको सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं। अब पार्टी और परिवार के अंदर ऐसे हालात को पटरी पर लाना दल के दिग्गजों के लिए बड़ी चुनौती है। आइए बदले हालात में जानते हैं आखिर अखिलेश के मन में है क्या। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी परिवार में चल रही खींचतान पर सबसे बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के चुनिंदा जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में यूपी के सीएम अखिलेश ने उन्हें कुछ नया करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इंडिया 24/7 पहले ही आपको ये बता चुका है कि दिल्ली में अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव इलेक्शन कमीशन के अफसरों के साथ मुलाकात कर चुके हैं, और अगर अब अखिलेश के मुताबिक फैसले नहीं हुए तो वो नई पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल आज एसपी जिला अध्यक्षों को बैठक के दौरान अखिलेश ने 3 नवंबर से शुरू हो रही अपनी रथ यात्रा की तैयारियां करने के लिए कहा है। तो अब यह तय हो गया है कि अखिलेश अपनी रथ यात्रा को लेकर अडिग हैं और 5 नवंबर को पार्टी के रजत जयंती समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। और इस दौरान जब जिला अध्यक्षों ने अखिलेश को चाचा शिवपाल के स्टैंप पेपर वाले बयान की याद दिलाई, जो बयान आज ही दिया है शिवपाल यादव ने जिला अध्यक्षों के साथ अपनी मीटिंग में, तो अखिलेश यादव ने साफ किया कि रजिस्ट्री करने से विवाद खत्म नहीं होते और अब नया करने के लिए तैयार रहने का वक्त आ गया है। और हमारे साथ विवेक तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता। विवेक, नया करने के लिए तैयार रहने का सीधा मतलब नई पार्टी के ऐलान से है या कुछ और? घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ है, उन कड़ियों को अगर जोड़े तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और 5 नवंबर के बाद हो सकता है कि वो इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण फैसला कर ले। आज की जो खबर है वो यही है कि जिलाध्यक्षों की जो बैठक शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के बतौर बुलाई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी जिलाध्यक्षों को बुलाया। तकरीबन 30 से 40 जिला के अध्यक्ष खासतौर पर थे और उन रूट के थे जहां पर मुख्यमंत्री का विकास रथ निकलना है। वहां पर मुख्यमंत्री ने उन लोगों से पूछा, जिलाध्यक्षों से, कि वहां क्या बात हुई जो पहले वाली मीटिंग थी। तो जिलाध्यक्षों ने बताया कि शिवपाल यादव ने इस तरह का बयान दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जमीन के विवाद अगर कोई है और रजिस्ट्री करा दिया तो विवाद खत्म नहीं होता। एक बात उन्होंने और महत्वपूर्ण की कि नया करने के लिए तैयार रहिए। तो जो संकेत है, और पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री फोन से भी अपने लोगों से बात कर रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फोन से भी बात कर रहे हैं, तो काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये सक्रियता सिर्फ अपनी यात्रा को लेकर के ही नहीं है, कुछ और भी मुख्यमंत्री के मन में चल रहा है जिसकी घोषणा हो सकता है कुछ दिनों बाद हमको देखने को मिले। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री अलग रास्ते की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। विवेक तिवारी हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं कि जो रुख है उससे साफ लग रहा है कि कुछ नया बड़े स्तर पर करने की तैयारी में जरूर दिख रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के बीच कलह बढ़ती जा रही है। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह की बैठक से पहले सीएम अखिलेश ने 23 अक्टूबर को अब एमएलए और एमएलसी की बैठक बुलाई है। मुलायम सिंह ग्रैंड बैठक करने वाले हैं, ग्रैंड मीटिंग, जबकि 24 अक्टूबर को मुलायम ने विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों की बैठक बुलाई है। तो पहले मुलायम सिंह की तरफ से ये बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों की बैठक बुलाई गई। 24 अक्टूबर को ये बैठक प्रस्तावित है, लेकिन इससे एक दिन पहले 23 अक्टूबर को ही सीएम अखिलेश ने एमएलए और एमएलसी की बैठक बुला दी है। अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अवनीश, आने वाला 2-3 दिन बहुत क्रूशियल है पार्टी के लिहाज से, परिवार के लिहाज से। जो ग्रैंड मीटिंग होनी है मुलायम सिंह यादव के साथ, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ, उससे पहले अखिलेश जो मीटिंग बुला रहे हैं एमएलए एमएलसी की, उसमें किस तरह का एजेंडा सामने रख सकते हैं वो एमएलए एमएलसी के बीच? देखिए,
देखिए आप तो एक तरीके से कहें तो स्क्रिप्ट पूरी तरीके से लगता है रोज की रोज स्क्रिप्ट लिखी जा रही है इस फिल्म की, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, पहले आज जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई, उसके बाद शाम तक वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए जिलाध्यक्ष, कल इसी तरीके से राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक है, ज़्यादातर उसमें शिवपाल यादव के समर्थक हैं, ये बात सही है, और इस बात को लेकर के पहले भी नाराजगी सामने आ चुकी है, लेकिन जिस तरीके का सियासी मोड समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है, नित घंटा दर घंटा जो है वो घटनाक्रम बदल रहा है, एक तरफ नेताजी की बैठक जो 24 तारीख को होनी है उससे ठीक पहले बैठक का ऐलान कर दिया जाता है, 23 तारीख को अब MLC और MLA के साथ अखिलेश यादव बैठेंगे, जो आज बात उन्होंने जिलाध्यक्षों के साथ कही है उसमें इस बात की ओर इशारा किया कि वो अपनी 3 तारीख की जो प्रस्तावित यात्रा है, रथ यात्रा समाजवादी विकास रथ की, उस यात्रा को कैंसिल करने के मूड में नहीं है, उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार कर लिया है कि इलाकों से कैसे जाना है, कितने विधानसभा क्षेत्र कैसे कवर करने हैं, इन तमाम चीजों का खाका उनका तैयार है, और इसको देखते हुए वो ब्लूप्रिंट अगले 1-2 दिनों में जिलाध्यक्षों को भेज दिया जाएगा, विधायकों को भेज दिया जाएगा, उसी की तैयारी को लेकर के ये बैठक बताई जाएगी, क्योंकि आज की जो बैठक हुई जिलाध्यक्षों की उसमें ऑफिशियली तौर पर ये पार्टी की ओर से कहा गया कि ये बैठक रजत जयंती समारोह को बेहतर करने के लिए बैठक बुलाई गई है, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए अवनीश कि जवाब पार्टी में जो कुछ भी होता है आधार उसका कार्यकर्ता होते हैं और जिलाध्यक्ष भी एक बड़ी इकाई है, जिलाध्यक्षों के मन में क्या है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, आने वाले समय में कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष ये पता नहीं, और एक ही परिवार के लोग हैं, अध्यक्षों की जो कश्मकश है वो क्या बताती है पार्टी को आगे के लिए? नहीं देखिए उनकी भी स्थिति वही है जो विधायकों की है, सांसदों की है, एक आम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की जो मानसिक स्थिति है वही स्थिति जिलाध्यक्षों की है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने देखा कि कार्यकारिणी में किस तरीके का फेरबदल हुआ जब प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव बने, जिलाध्यक्षों का भी एक्सपेक्टेड था कि बहुत सारे जिलाध्यक्ष बदल जाएंगे लेकिन फिलहाल उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसी तरीके से विधायकों को भी लेकर के बहुत सारा असमंजस है, अब ये बैठकें जो बुलाई जा रही है सिलसिलेवार, इन बैठकों से जाने से पहले ये तमाम जिलाध्यक्ष तमाम सारे विधायक अपने जो भी जिस भी खेमे से जुड़े हुए हैं, जिस भी नेता के ज्यादा करीबी है उससे इस बात की राय ले रहे हैं वो कि आखिर इन बैठक में जाएं न जाएं क्या करें, क्योंकि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और शायद यही वजह है कि अभी फिलहाल जो जिसको जहां बुलाया जा रहा है वो वहां जा रहा है, या जिसका जो जितना करीबी है उस जगह पर वो उतनी सक्रियता दिखा रहा है, सारी चीजें चल रही है पार्टी के अंदर, तो अंतर्विरोध है, और अंतर्विरोध नहीं होता तो बेनी प्रसाद वर्मा हो, रेवती रमण सिंह हो, ये तमाम सारे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि पार्टी हम सब की तरह वो जिलाध्यक्ष भी तमाम पार्टी कार्यकर्ता भी अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में क्या होता है, क्या रुख होता है। बने रहे हमारे साथ, हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। और बताएं, इससे पहले शिवपाल यादव ने पार्टी के जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ जो बैठक की, SP प्रदेश प्रवक्ता अशोक वाजपेयी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए यह बताया है कि बैठक में 5 नवंबर को पार्टी की रजत जयंती समारोह की तैयारियों पर चर्चा हुई है। इस दौरान शिवपाल यादव ने इमोशनल कार्ड खेला, उन्होंने कहा कि अगर मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से बवाल है तो प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। सभी ने एक स्वर में जवाब दिया कि शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष बने रहें और अखिलेश यादव को निर्विवाद रूप से CM चेहरा घोषित किया जाए। इस पर शिवपाल ने कहा कि मैं एफिडेविट लिखकर दे सकता हूं, एक बार नहीं जितनी बार भी CM बनने का मौका आएगा अखिलेश यादव ही CM होंगे। शिवपाल ने बैठक में कहा कि अगर नेताजी के बारे में, पार्टी के बारे में कोई गलत बयानबाजी करेगा तो कार्रवाई होगी। और 3 तारीख के रथ कार्यक्रम पर शिवपाल यादव ने कहा कि हो सकता है कि रथ यात्रा टाली जाए और अगर तय समय पर होता है तो हम सभी सहयोग करेंगे, लेकिन 5 तारीख रजत जयंती को भव्य तरीके से सफल किया जाए इस पर ध्यान देना है, रथ यात्रा को लेकर फिर बैठक हो जाएगी। आज की मीटिंग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा सुखद रही, जिसमें माननीय शिवपाल सिंह ने यह स्वीकार किया कि मुझे काम संगठन का सौंपा गया है, मैं रात दिन मेहनत करके इतने विधायक ले आऊंगा तो दोबारा माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। और 5 तारीख की तैयारी के लिए कि जो हमारा 25 साल का जश्न है बहुत शानदार मनेगा, और ये निश्चित मानिए आज के मीटिंग के बाद ये तय हो गया है कि परिवार एक है, अखिलेश जी और शिवपाल सिंह हर तरह से एक हैं, और जो उनको अलग करना चाहते हैं उनको आज बड़ा तमाचा मिलेगा जब उनका ये घोषणा होगी कि उन्होंने कहा मुझसे स्टाम्प से लिखवा लो, मुझ पे कागज में लिखवा लो कि माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जब शिवपाल सिंह ये कह रहे हैं तो किस बात का विवाद है, और जो बात करना चाहते हैं ये उनको आज जवाब मिल गया है। और अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अवनीश, ये बताइए, भले शिवपाल यादव ने ये कह दिया हो कि हम प्रदेश अध्यक्ष पद भी छोड़ देंगे, लेकिन जो रुख है, पूरी की पूरी जो बात है, उससे कहीं नहीं लगता कि वो अपने स्टैंड से थोड़े भी पीछे हटने को तैयार हैं।
नहीं देखिए मुद्दा क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा क्या जिस पर विरोध है। मुद्दा यह है कि कौमी एकता दल का विलय हो ना हो, उनसे जुड़े हुए नेता समाजवादी पार्टी के अंदर आए ना आए, टिकटों का बंटवारा कौन कैसे करे, कैसे टिकट निर्धारित हो, किसके समर्थकों को कितने टिकट मिले, ये सारी ऐसी स्थितियाँ, ये सारे वो मुद्दे हैं। भ्रष्ट मंत्री हो, अधिकारी हो, इन तमाम मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। बाहरी व्यक्तियों का परिवार के अंदर दखल, ये एक मुद्दा हो सकता है विवाद का, और इस मुद्दे पर बहुत लंबी बहस हो चुकी समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार के अंदर। जब इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे पर बात ना हो तो सारी बात बेमानी हो जाती है, वैसे ही अगर परिवार में भी अगर इन मुद्दों की बात नहीं हो रही है, बाकी तो केवल बयानबाजी है। वो सब बयानबाजी कर रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि सीएम अखिलेश यादव होंगे, ये इन सब का जो स्रोत है, इन सब का जो आधार है, वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से भी तो बंधा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जब नहीं थे तब अखिलेश यादव ने डिटो मार दिया, विलय हुआ नहीं, और फिर जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए शिवपाल यादव, फिर उन्होंने निर्णय ले लिया और उसे मान्य करार दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से भी, और सब कुछ निर्विवाद तौर पर हो गया। तो ये जो पद है प्रदेश अध्यक्ष का, वो भी बहुत सारी अथॉरिटी देता है, और वो पद के साथ साथ वो अथॉरिटी चाहिए। शायद आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। जो कश्मकश है अलग अलग पीढ़ियों का, ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसमें महत्वपूर्ण आयाम है। लंबे दौर से राजनीति को समझने वाले नेता भी मानते हैं कि मौजूदा राजनीति में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की जो दूरियां हैं, इन दोनों के बीच की दूरियां काफी बढ़ गई हैं। इंडिया 24/7 हमारे चैनल के संपादक वासिंद्र मिश्र से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमन ने भी ये माना कि समाजवादी पार्टी में भी नई पीढ़ी द्वारा पुरानी पीढ़ी के योगदान को नकारने का चलन दिखने लगा है। हम सब लोग एक लंबे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, हम आपके भी काफी करीब रहे हैं और एक अरसे से आपको भी जानते हैं। क्या वजह है कि इसमें जो हम देखने को मिल रहा है कि खाली समाजवादी पार्टी में नहीं, सभी राजनीतिक दलों में जो पुरानी पीढ़ी है उसके कंट्रीब्यूशन को, उसकी मेहनत को, उसकी त्याग और तपस्या को नकारने के का दौर शुरू हो गया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या हम कहें कि समाजवादी पार्टी हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या नई पीढ़ी में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, या अति महत्वाकांक्षा है जिसके वजह से कि अपने बड़े बुजुर्गों के त्याग तपस्या योगदान और बलिदान को ये नई पीढ़ी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और उसको हर चीज़ जल्दी में चाहिए? आपको क्या लग रहा है? हम किसी एक दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इस बदले राजनीतिक दौर में हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। नहीं, आपकी बात बहुत कुछ बहुत हद तक सही भी है, लेकिन जैसे मुलायम सिंह और अखिलेश के बीच के संबंध को मैं जानता हूँ, अखिलेश मुलायम सिंह जी की बेहद इज्जत करते हैं और मुलायम सिंह जी के ही नहीं करते हैं, हम ऐसे सीनियर लोगों की भी वो बहुत ही इज्जत करते हैं, तवज्जो देते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरा सम्मान दिया जाए। मुझे कई घटनाएं याद हैं। एक आपने सही फरमाया कि जो नई पीढ़ी आज उभर के आ रही है, नई पीढ़ी सब कुछ बहुत जल्दी हासिल कर लेना चाहती है, लेकिन मैंने वो समय भी देखा है कि जो पुराने नेता हैं और ख़ासतौर से मुलायम सिंह जी हैं, एक बड़ा लंबा अरसा उनका संघर्ष के बीच में बीतता है और संघर्ष और झंझावास से उबर के आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो उनका अनुभव भी है, उनका संघर्ष भी है और उनकी कार्यशैली भी है। ये ज़रूर है कि आज के लोगों की कार्यशैली भिन्न हो सकती है, मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव जी की कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन जो मुलायम सिंह का अनुभव है, मुलायम सिंह जी का काम करने का तरीका रहा है, वो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने, तमाम विपरीत परिस्थितियों में बने, आज अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम मुलायम सिंह जी ने स्वयं किया, तो
तो मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों में जो आपने विश्लेषण किया है काफ़ी हद तक सही है। और इस पर हम करेंगे चर्चा, हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आपको बताएं, समाजवादी कुनबा बना रहे इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता आगे आ रहे हैं। वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने इंडिया 24/7 से खास बातचीत में कहा है कि उनकी मुलायम यादव से फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में नेताजी की ऐसी भावनात्मक पीड़ा कभी नहीं देखी। समाजवादी पार्टी में मौजूदा घटनाक्रम को लेकर हमारे साथ बेनी प्रसाद वर्मा है, पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद हैं। बेनी प्रसाद जी, जो घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या चिंता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम बहुत चिंतित हैं। आपकी नेताजी से बात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई? बहुत पीड़ा भरी आवाज में उन्होंने उससे कहा, जो कहा थोड़ा, तभी हम आपसे बोलने को राजी हुए। इतना दर्द हम लाल सिंह का नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको न मालूम होगा, हमारे उनके खराब रिश्ते रहे कुछ दिन, उसके बाद ही हमारे उनके फ़ोन पर अच्छी बात होती थी। और जब हम मंत्री बने हैं, सबसे पहले बधाई का फ़ोन उन्हें गया था दिल्ली। तो पार्टी में चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, चिट्ठियां लिख के आरोप लगाए जा रहे हैं रामगोपाल। ये चापलूसी है और इसको अखिलेश जी को सख्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। इसकी शुरुआत तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव, बाप का अपमान हो लड़का बर्दाश्त करता रहे, ये कोई अच्छी बात है? हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। पर जो लोग पार्टी में रामगोपाल के समर्थक हैं, उनके बेटे, उनके भांजे, वो सब पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अक्षय यादव का बयान आ गया कि अखिलेश यादव चेहरा नहीं होंगे तो 20 सीट आ जाएगी। रामगोपाल यादव ने चिट्ठी लिख दी कि 100 से भी कम सीट आएगी और इतिहास कभी मुलायम सिंह को माफ़ नहीं करेगा। आपको लगता है ये भाषा मुलायम सिंह जैसे राजनीति के साथ इस्तेमाल की जानी चाहिए? तो अखिलेश यादव के अलावा कोई चेहरा है ही नहीं, लिखने की जरूरत क्या है? अखिलेश यादव ही चेहरा होंगे। पार्टी तो टूटन की तरफ जा रही है, अफवाहें यहाँ तक आ रही हैं कि नई पार्टी बनेगी, सिंबल की भी बात हो गई, चुनाव आयोग में मुलाकात हो गई। अब 5 तारीख को रजत जयंती समारोह आपका सबसे बड़ा कार्यक्रम है, 3 तारीख को अखिलेश जी यात्रा पर निकल रहे हैं, आज पार्टी की बैठक चल रही है जिलाध्यक्षों की, अखिलेश जी की बैठक अलग चल रही है, तो आपको कहाँ लगता है रास्ता कहाँ मिलेगा? तो अलग अलग जाने का रास्ता है। अगर ये है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, राजनीति किसी का इंतजार नहीं करती, लोकतंत्र में सत्ता किसी का इंतजार नहीं करती है, जो अच्छे रास्ते पर चलता है सत्ता उसी के पीछे दौड़ती है, और जिसका रास्ता गलत हो जाता है सत्ता उससे दूर हो जाती है कोसों। तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत किस ओर जा रही है? समाजवादी पार्टी से मोह अब भी जनता को है, लेकिन अगर लड़ेंगे बटेंगे तो मजबूरी में जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो हो जाएगा। एक बार फिर पूछूंगा, कोशिश क्या करेंगे बेनी प्रसाद वर्मा, क्योंकि आप तो अखिलेश जी के भी करीबी हैं, नेताजी के तो पुराने साथी रहे हैं आप। पार्टी में एका बना रहा है, ये हमारी कोशिश होगी। बेनी प्रसाद वर्मा जिनकी कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी में एकता बनी रहे, उसके लिए वो मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करेंगे और अखिलेश यादव से भी। रंजन के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, इंडिया 24/7। अवनीश, पता नहीं दिग्गजों की कोशिश कितनी रंग लाएगी, क्या इसका हश्र होगा, ये जरूर है। अभी बातचीत में लग रहा है कि लहजा थोड़ा सा बदला है, रुख भले कायम हो अपने अपने स्टैंड पर। आपको क्या लगता है, जिसकी चर्चा कर रहे थे ये दिग्गज, जो मुलायम सिंह यादव की पीड़ा है उसको कितना एड्रेस किया जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से? और साथ ही दूसरा ये कि जिलाध्यक्षों को जो बुला दिया, जिलाध्यक्षों की मीटिंग फिर से बुला दी है, एक मीटिंग की अखिलेश यादव ने आज और कुछ बचे हुए से कल भी वो मीटिंग करने वाले हैं, ये क्या संकेत दे रहा है? नहीं देखिए, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी का चेहरा है, तो मुलाकात बैठक ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। दरअसल जो मुद्दा है, जिसको चिंता सीनियर पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो पार्टी के विघटन की है। पार्टी अगर टूटती है या उसमें किसी तरह का जो है बदलाव होता है, वो परिस्थिति पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाली होगी, और ये चिंता है बड़े नेताओं की। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे भी राजनीति में है, रेवती रमन के भी बेटे राजनीति में है, तो ये सारी ऐसे लोग हैं जिनको अपनी भी चिंता है, अपने भी आने वाली पीढ़ी की भी चिंता है। तो समाजवादी पार्टी रहेगी तभी इन नेताओं का भी, इनसे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी तभी विकास हो पाएगा राजनीति में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूल मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो या ना हो, नेताजी की पीड़ा जो भी है मुलायम सिंह यादव की, उस पीड़ा को लेकर के ही शायद अखिलेश यादव अब तक शायद कोई
मजबूत कदम नहीं उठा पाए हैं, बैठकें, इस तरह के कार्यक्रम, ये सारी चीजें तो जरूर दबाव बनाने के लिए हो रही हैं, लेकिन शायद मुलायम सिंह यादव के प्रति उनका अपना जो रिश्ता है, जिस तरीके का व्यवहार या जिस तरीके का आदर वो दिखाते रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, वो सबने देखा है, और शायद यही वजह है कि वो हिचक रहे हैं अभी भी इस बात से कि कोई फैसला ले, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के उन्होंने इरादा जरूर मजबूत कर लिया है और शायद इसीलिए वो लगातार पॉलिटिकल नहीं, लेकिन जो अभी परिस्थितियां हैं इसमें तो आपने सुना ना कि सीनियर लीडर्स ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की ऐसी पीड़ा हमने पहले कभी नहीं देखी, तो ये जो पीड़ा है और उसको दूर करने की जो कोशिश होती है वो भी कई जगह कुनबे को एक रखती है, तो अभी समाजवादी पार्टी में इसकी बेहद जरूरत है। क्या इस मोर्चे पर इस दिशा में बातें आगे बढ़ती दिख रही हैं संक्षेप में? देखिए अजीत, इसकी दो वजह हैं, और एक वजह प्रोफेसर रामगोपाल की चिट्ठी और दूसरी एमएलसी उदयवीर की चिट्ठी, दोनों चिट्ठियों ने मुलायम सिंह यादव को बेहद आहत किया है और इसीलिए वो बेहद नाराज हैं, क्योंकि उनसे कभी इतनी तल्ख भाषा में किसी ने बात नहीं की थी। रामगोपाल यादव उनके परिवार के सदस्य हैं, पहले कभी सामने खड़े होकर के बात नहीं करते थे, उन्होंने इस तल्ख भाषा में उनको पत्र लिख दिया, उसको लीक भी कर दिया। वहीं उदयवीर जो अभी नए नेता हैं पार्टी के, एमएलसी हैं, शायद एक दो जिलों से बाहर, उनको कोई जानता भी नहीं होगा, उन्होंने भी जिस भाषा में मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखा और संबोधित किया वो भाषा तमाम कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम नेताओं को उस पर आपत्ति है, और ये सारी वजह है जिसकी वजह से ये सारे नेता भी जो सीनियर हैं वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि वो मुलायम सिंह यादव की इस पीड़ा को नहीं देख पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। और जाहिर सी बात है, जो बात अभी हम कर रहे थे कि ये जो पीड़ा है इसे समाप्त करने की, इसे एड्रेस करने की ज़रूरत पर अगर काम किया जाए, फोकस किया जाए, तो ये पार्टी और परिवार के बीच जो विघटन की बातें आ रही हैं ये शायद ना हो। आने वाले दिनों में क्या रंग इसका दिखता है ये काफ़ी अहम होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया 24/7।